यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्वच्छता के पाठ के बारे में हमने समझा था कि हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। हमें हमारे जीवन में स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी जो प्लीज दो है वह मिनट बहुत से रोगों रुकिए की जड़ है। उसके बाद हमने प्लीज 2 मिनट रुक गया। कितनी बार बोलूं, मेरी भूख नहीं निकल रही। मैं यहाँ थोड़ा रिवीजन कर, स्पीकर बंद करो बेटा। प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह हमने विकल्प लिखे थे। उसके बाद प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसपे हमने खाली जगह लिखे थे। प्रश्न तीन में विधान सही है या गलत, वह विधान हमने लिखे थे। उसके बाद हमने सही जोड़े मिलाइए, यह प्रश्न लिखा था। उसके बाद हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यह प्रश्न आपको एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने चार पांच वाक्य के उत्तर लिखे थे। यह मैंने पीडीएफ आपको भिजवाई थी, देखो तो जरा। गर्ल्स, मिस मिस सड़क पर छिलका पहला फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा, यह प्रश्न मैंने लिखवाया है, बराबर। उसके बाद यह जवाब लिखा है। उसके बाद का प्रश्न, अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न करने का क्या कारण बताया, तो उसका उत्तर भी हमने लिखा था। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई, जो यह चार पांच वाक्य के प्रश्न के उत्तर है, यह जवाब भी हमने लिखा था। उसके बाद मैंने आपको समानार्थी शब्द लिखवाए थे, बराबर। उसके बाद विरोधी शब्द आपको लिखवाए थे, और उसके बाद आपको प्रश्न लिखना है, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। चलो प्लीज, इस प्रश्न के किया है मिस क्या प्लीज, है? तुम ये सब पीडीएफ भेज दोगे हम व्हाट्सएप अभी लिखो अपनी नोटबुक्स में। मिस मुझे बाकी है आगे का पीछे के हाँ प्रश्न। मिस मुझे भी आगे का बाकी है सब। तो मिस आप कौन क्या कर रही थी जब मैंने लिखवाया तब बेटा? मैं कल लेफ्ट हो गई थी, नेटवर्क नहीं था ना इसलिए तो मैं फिर ज्वाइन वीडियो नहीं हुई थी। ऐसी बात नहीं है बेटा, ग्रुप में हमने वीडियो की लिंक रखी हुई है, वहां आप ओपन मिस करोगे ना तो उसमें सब कुछ दिखाई वीडियो में देगा। समझ नहीं आता है मिस। हाँ ओके, मैं भेज दूंगी, ठीक मिस मिस जे प्रश्न छे तो इलेक्शन मिस प्रश्न छे। कटला पे हाँ छोड़ लखू यार, अभी आप इस मैं प्रश्न तुम से पीडीएफ शुरू लिखी थी करो। वाला प्रश्न से एक अभी आप देख लेना कौन से प्रश्न है, मैं प्रश्न आपका सामने, कटला प्रश्न आपको यहाँ से लिखना है, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, वह प्रश्न आप पीछे भी लिख सकते हो बेटा, पेज कम या मिस ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए। मिस प्रश्न वाले 9, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, चलो सूचना लिखिए। प्रश्न 9, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। भाइयों मिस कौन से पार्ट पूछाने वाले हैं? उसमें प्रश्न एक है, आप अपनी पाठशाला में, आप अपनी पाठशाला में किन-किन चीजों की, किन-किन चीजों की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं।
जवाब लिखिए, जवाब लिखिए हम अपनी पाठशाला में कमरे कार्यालय कुर्सी कुर्सी मेज मेज श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड, श्याम फलक शैक्षिक यहाँ पर है, सामग्री तथा मैदान बगीचा बगीचा पायखाना पेशाब खाना आदि की सफाई करते हैं, आदि की सफाई करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, मेरी आवाज सुनाई देती है ना गर्ल्स? हमें हमें सुनाई सुनाई देती है। ओके, देती है भाइयों। प्रश्न दूसरा, खड़े रहे गंदगी से हमें, हेलो बीस खड़े रहिए। बेटा फटाफट से लिखो, कौन कौन सी स्क्रीन पर है, यदि आप पीछे रह गई है तो देखकर लिखना बेटा। गंदगी से हमें कौन कौन सी स्क्रीन बीमारियां होती है, जवाब लिखिए। जवाब दूसरा, गंदगी से हमें उल्टी दस्त दस्त
जुकाम, जुकाम, बुखार, बुखार, दाद, दाद, खुजली, खुजली, आदि, आदि, बीमारियां, बीमारियां होती है, बीमारियां होती प्रश्न 3, सफाई के लिए, सफाई के लिए किन किन चीजों का, किन किन चीजों का उपयोग, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। जवाब में लिखिए, सफाई के लिए के लिए झाड़ू, झाड़ू, तसले, तसले, फिनाइल, फिनाइल, ब्रश, ब्रश आदि का, आदि का उपयोग आदि का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। मिस हाँ बोलो बेटा। मिस तीन तीन तो लिखा दे, फिर से पहले लिखा है। नहीं, यहाँ पर 4 नंबर देना, अब नंबर आगे का लिखना, यहाँ पर भले ही ऐसे नंबर हो, ठीक है? प्रश्न 4 करके थोड़ा लिखिए। सा बाकी रह गया है, 3 नंबर वाला। 2 मिनटों मिस। कहाँ पर पहुंची हो बेटा? ब्रश, आदि का उपयोग किया जाता है। ओके, प्रश्न
प्रश्न चार, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा, क्या देखा? जवाब चार करके लिखिए। मोहन ने अजय के मोहल्ले में अजय के मोहल्ले में कूड़े दान के बाहर बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, कूड़ा देखा। भिनक रही होता थी, यानी मिस कि भिनक क्या गुनगुना का रही थी, गुनगुना रही थी, गुनगुन करती है ना कूड़े के ऊपर मक्खियां। और चारों ओर फैली फैली गंदगी देखी, चारों ओर फैली गंदगी देखी। उसके बाद प्रश्न पांचवा, पांच करके लिखिए। खड़े रहिए। प्रश्न पांच, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी, क्यों फैली हुई थी? जवाब लिखिए पांच। जवाब पांच, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर न डालकर
सड़क पर ही डाल देते थे, सड़क पर ही डाल देते थे, और सफाई की चिंता नहीं करते थे, और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी, गंदगी फैली हुई थी। प्रश्न छः, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए। मिस रोल नंबर 15, मिस अभी अभी ज्वाइंट हुई है। जवाब छे जवाब छे अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में अजय के मोहल्ले में ले गए मिस रोल नंबर 15। ओके ले गए क्योंकि क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी। उसे
उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। सवाल जवाब साफ करवाना चाहते थे वे लोगों को बीस बीस इतना ही है सवाल जवाब समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ा कूड़ेदान में ही कूड़े दान में ही डाले डाले क्योंकि क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं गंदगी से रोग फैलते मैं तो उसे पूछ रही बस इतने ही है। हेलो उसके बाद का लिखिए बोलो बेटा तीसरा वाला बाकी रह गया छठा वाला क्यों बाकी रह गया फटाफट से लिखो बेटा Okay, और वो बीच बीच में जो बोल रहे हैं ना उसे पता होना चाहिए कि अभी लिखवाना बाकी है वरना मैं कह देती कि पूरा हो गया। बीच बीच में क्यों बोल रही हो चलो छठवां प्रश्न किसने बाकी है हो गया छठो चलो उसके बाद लिखिए सातवां प्रश्न सात करके लिखना। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं जवाब सात हम कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई
खुद करके नगर पालिका की मदद मदद कर सकते हैं। प्रश्न आठवा, हमें अपना घर और मोहल्ला छोड़ क्यों साफ रखना साफ रखना चाहिए चाहिए जवाब आठवा लिखिए। नहीं मिस बेबू दोबारा जवाब आठ लिखाइए। हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं, नौवा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 9, अजय ने मोहन को किस प्रसंग पर बुलाया था जवाब 9, अजय ने मोहन को अपने
अपने जन्मदिन पर, बुलाया था, प्रश्न 10। मोहन ने अजय को उपहार में क्या लिखना उपहार में क्या दिया क्या दिया जवाब 10। मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की एक एक पुस्तक दी। ग्यारहवा प्रश्न है, प्रश्न 11। अजय के मोहल्ले में अजय के मोहल्ले में पानी लेमिस से पानी से बदबू बदबू क्यों आ रही थी, क्यों आ रही थी। जवाब 11। जवाब 11। अजय के मोहल्ले में मोहल्ले में पानी से बदबू बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में
कूड़े के कारण, कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, पानी रुका हुआ था। चलो यह सभी प्रश्न के उत्तर लिख लिए बेटा। यस मिस, हम्म, सभी प्रश्न के उत्तर लिख लिए बेटा। हाँ नहीं सब मिस, लिख लिया। कौन सा बाकी है? मिस वाले तो सब हम्म, लिख लिया। ओके। चलो तो आज मैंने 11 प्रश्न के उत्तर लिखवाए, बराबर। यह 11 प्रश्न के यस उत्तर सभी को आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं, ओके। सलमा ओके मिस। मी, बाय बाय।